स्टूडेंट्स, हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, राइट? सो माय सेल्फ डॉक्टर अमित हियर, एंड वंस अगेन आई एम ऑल सेट टू टेक यू ऑल इनटू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, एंड इन कंटिन्यूएशन टू द सीरीज व्हिच वी हैव स्टार्टेड अबाउट द टॉपिक सर्क्यूलेटरी सिस्टम, सेशन नंबर 9. कौन सा सेशन है? वी आर इन द 9th सेशन टुडे ऑलमोस्ट, और कल 10th सेशन रहेगा, द लास्ट सेशन. सो लास्ट टू सेशंस, राइट? ये दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वंस अगेन वी विल बी स्टडिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर एंड अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है क्वेश्चन में आपके फाइनल प्रॉफ एग्जाम्स में, जो 10th बोर्ड के है, ICSE बोर्ड के. सो दे विल बी आस्किंग यू अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन. बहुत इट्स लाइक PVIMP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? सो इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है. सो प्लीज फोकस, राइट? एंड ऑल्सो मेक नोट्स. वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल, नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर हैंड रिटन नोट्स, राइट? प्लीज मेक नोट्स, राइट? जो भी मैं आपको लेक्चर में ले रहा हूँ, आपको अच्छे से उसे हैंड रिटन नोट्स, आपकी जो बायोलॉजी की नोटबुक है, एक प्रॉपर 200 पेजेस की एक नोटबुक तैयार रखिए, ठीक है? एंड व्हाट एवर लाइव सेशंस जो भी आगे होंगे, आपको अपने नोट्स बनाने हैं. उसमें कीवर्ड्स होंगे, उसमें निमोनिक्स होंगे, उसमें ट्रिक्स होंगे, उसमें हम कुछ वर्ड हाईलाइट करेंगे. एंड प्लीज इफ पॉसिबल यूज डिफरेंट पेन्स, लाइक रेड पेन, like black pen, and to mark those areas, write in capital letters or jo bhi prominent letters likhne. See, these things will add on to your visual memory. Aapko pata hai na, brain mein ek visual area hota hai, that is called as visual cortex. Brain mein different areas hote hai na, hume to pata hai nervous system mein kya hota hai. Hum different ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन करते हैं. जैसे हम कुछ देखेंगे, विजन इज रिलेटेड टू डिफरेंट एरिया, ऑडियो, लाइक आप कुछ सुन रहे हो, दैट इज रिलेटेड टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स. जैसे आप अभी लेक्चर सुन रहे हो, दैट इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर टू दैट एरिया, इट विल बी कोडेड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट? शुरू में शॉर्ट टर्म होगा. अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप फर्स्ट टाइम किसी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, राइट? जैसे आपने पेसमेकर कभी पढ़ा नहीं है 8th में भी, या फिर आपने बहुत शॉर्टली पढ़ा, या फिर इवन आपने जैसे कि फैगोसाइटोसिस पढ़ा नहीं था, हमने पढ़ा है, राइट? फैगो इज टू ईट एंड साइटोसिस. तो ये फर्स्ट टाइम आपने समझा है, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ब्रेन में वो कोडेड इंफॉर्मेशन जा रही है. आपके जो भी सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स है, ब्रेन इज जस्ट ग्रास्पिंग, दोज न्यूरॉन्स आर ट्रांसफरिंग दैट टू शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट? अभी आप पढ़ोगे, देन अगेन आप रिवीजन करोगे. वंस अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने जो भी पढ़ा है आज लेक्चर में, उसे घर जाके टेक्स्ट बुक में पढ़ना है. अभी तो आप घर पे ही हो, तो ऑब्वियसली आपको दिन भर आपका रूटीन सेट है, तो आप प्लीज टाइम निकालिए, उसे रिवाइज कीजिए, एंड अगेन यू विल रीड दैट नेक्स्ट मॉर्निंग और विद इन 24 आवर्स, जब भी आप फ्री हो, एज पर योर स्केड्यूल, जो भी आपका स्कूल टाइमिंग का, जो ऑनलाइन लेक्चर्स है और अदर लेक्चर्स ऑफ योर अदर सब्जेक्ट्स, राइट? जो भी वर्चुअल सेशंस शुरू है, सो प्लीज टेक डाउन टाइम. बायोलॉजी स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, बिकॉज इट इज क्वाइट रिलेटेड विथ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ना, दिस सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है, इट्स अबाउट अवर बॉडी सिस्टम, बट फिर भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें याद करनी है, राइट? सो इट्स बेटर यू रिमेंबर दोज पॉइंट्स बाय रिवाइजिंग इट, अंडरस्टैंडिंग. आपको पता है ना, कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे हमने कुछ विजुअल्स देखे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन, याद करो, कैपिलरी, लंग्स, कैसे जाता है लंग्स में, हीमोग्लोबिन होता है, फिर उसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, देन आयन होता है, राइट? देन फिर वीनस ब्लड से फिर वो जाता है हार्ट में, या फिर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा अबाउट डिफरेंट वॉल्स. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, जब आप लेक्चर फिनिश अप करोगे और टेक्स्ट बुक में जाओगे, तो आपको बैठना है बिल्कुल रिलैक्सली, योर टेबल, योर स्टडी टेबल, योर चेयर, सिट डाउन, टेक टू डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट, एंड जस्ट रीड केयरफुली ईच एंड एवरी लाइन ऑफ
टेक्स्ट बुक राइट. प्लीज रिमेंबर, मैं फिर से आपको याद कर रहा हूँ कि हेलो टेक्स्ट बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना, इसमें जो भी लाइंस दिए हैं, ईच लाइन इज अ पोटेंशियल क्वेश्चन, आपको उसका तो पता ही होना चाहिए. इट्स नॉट एग्जैक्टली यू नीड टू आंसर इन दैट मैनर, लाइक इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर. यू कैन राइट समवॉट टू योर ओन लैंग्वेज, बट अगर डेफिनेशन पूछा है आपको तो डेफिनेटली आपको डेफिनेशन बिल्कुल एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में लिखना है, जैसे कि डेफिनेशन हो और डिफरेंट अदर थिंग्स, जैसे कि कुछ न्यूमरिकल वैल्यूज हो. हम आगे देखेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट. बताओ मुझे, लेट्स रिवाइज, हार्ट बीट, सिंगल हार्ट बीट और विच मेक्स वन कार्डियक साइकिल. सिंगल हार्ट बीट कितना होता है, इसका ड्यूरेशन कम ऑन, इट इज 0.85 सेकंड्स. फिर हमने इसमें पढ़ा कि एट्रियल सिस्टोल कितना होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का फेज कितना होता है, एंड देन डायस्टोल, एट्रिया 0.15 सेकंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.30 सेकंड, एंड व्हाट, डायस्टोल. कॉमनली जब एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, रिलैक्सेशन, यानी अभी उसमें ब्लड फिल होता रहेगा, वॉल्व्स ओपन होंगे, दैट इज डायस्टोल. राइट, बिल्कुल आराम कर रहे हैं वो, अभी लेंगे क्योंकि बहुत काम कर लिया. जब हम कुछ काम करते हैं हमें रिलैक्स भी होना होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं जिम्स में, एट होम, इवन आफ्टर योर कैजुअल वॉक्स और रनिंग, राइट, मॉर्निंग वॉक, तो आप रिलैक्स भी करते हो ना, बिकॉज दैट स्पेसिफिक ऑर्गन नीड्स सम रेस्ट. सो वो मसल्स भी रिलैक्स होंगे, फिर फीलिंग होगा, फिर से ब्लड आएगा, एंड देन अगेन इट विल बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन फेज थ्रू डिफरेंट आर्टरीज टू डिफरेंट बॉडीली ऑर्गन्स. क्लियर है, ओके, याद आ रहा है ना. देन वी स्टडीड अबाउट पेसमेकर क्या होता है, यू रिमेंबर पेसमेकर कौन है, कम ऑन, पेसमेकर मैंने कहा था ना, पेसमेकर यानी जो पेस हार्ट में एक एक्टिविटी को जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमने पढ़ा था. व्हाट इज दैट, नेम क्या है उस नोड का, कम ऑन एवरीवन. हमने कल जो दो दिन पहले हमने जो विजुअल देखा, सॉरी अभी तो कैसे दो दिन का एक शॉर्ट स्पैन था जब हमारे लेक्चर्स नहीं थे, सैटरडे संडे राइट, आपका टेस्ट था. सो अभी ऐसा नहीं है कि लेक्चर नहीं है तो आपको भूल जाना है बच्चों, राइट, प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर्स. जो भी आपको टफ लग रहा है जस्ट फॉरवर्ड ना, यूट्यूब में ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड, स्लो मोशन पे देख सकते हो, या फिर स्पेसिफिक आप फॉरवर्ड करके एक पॉइंट देख सकते हो जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, राइट. एंड आई एम ट्राइंग टू टेक ऑल द टॉपिक्स इन सिक्वेंस एज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, राइट. अब मैं ये क्यों ले रहा हूँ वैसे, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि जब आप वीडियो देखो सो आपको आसानी हो कि कहाँ पे क्या पढ़ा रहा है मैंने, नहीं तो मैं अगर चाहूँ तो आई कैन जस्ट चेंज द सिक्वेंस ऑफ टॉपिक्स, पहले ये पढ़ा लूँ फिर बाद में वो, बट अगेन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. अगर आपको फिर से वीडियो देखना है तो आप में से कुछ बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है कि हाँ अरे कैसे ढूंढे. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, हार्डली कहीं तो हुआ होगा जहाँ पे कुछ सिक्वेंस शफल हुआ होगा, अदरवाइज आई एम स्ट्रिक्टली अबाइडिंग to the sequence as given in your textbook of biology, concise biology by Selina publications, right. So please read that textbook, it is like your bible. aise samjho ki wo aapka us agar use acche se padh liya to you will score out of, uske bahar kuch bhi nahi aane wala hai final exams mein, bas use interesting way mein padhna hai, concepts jo humne lectures mein seekhe hai, the terms, how to study biology, how to study terms, right? So, उसे याद में रखते हुए बच्चों आपको उसे पढ़ना है, right? बिल्कुल आलस नहीं करना है, okay? So, pacemaker कौन है बताओ मुझे? It is S-A-N. अब बोलोगे सर ये क्या है? Come on, भूलना नहीं है. एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं. S-A-N. अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया तो आप बोलोगे अरे ये क्या है अब? So, ये शॉर्ट फॉर्म है उस स्पेसिफिक नोड का, राइट. तो इसे क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड, राइट, याद आ रहा है, क्योंकि वो एट्रिया में है, नियर द ओपनिंग ऑफ व्हाट, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, आल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर वेना कैवा. एंटीरियरली आता है ना वो सामने से, एंटीरियर इज फ्रंटल एस्पेक्ट ऑफ दैट
ओपनिंग नियर द अपर एंड ऑफ द एट्रियल ओपनिंग, राइट, वहां पे होता है ये. तो याद है ना, सैन, सैन इज द शॉर्ट फॉर्म, SAN, साइनो एट्रियल नोड, जहां से एक वेव जनरेट होगा, वो फिर आगे जाएगा. याद आ रहा है, हमने अच्छे से एक विजुअल भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर, राइट. अच्छा चलो, लेट्स सी कितने लोग इसे सही बताते हैं. आई विल आस्क यू वन बाय वन एंड कम ऑन, अच्छे से जोश में मुझे बताना है कि मैं जो मार्क कर रहा हूँ वो एरिया कौन सा है. वी आर स्टडिंग अबाउट द कंडक्शन सिस्टम. हमने जो लास्ट सेशन में सीखा था उसे क्विकली रिवाइज करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड रिमेंबर, इस पे एक MCQ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि फाइनल प्रॉफ्स में आपको इस पे कोई MCQ आएगा, या फिर शॉर्ट नोट आएगा, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, राइट. अगर आपको पूछा पेसमेकर कौन है, राइट, नेम द पेसमेकर ऑफ हार्ट, और आपको ऑप्शंस दिए, व्हाट आर द ऑप्शन, पेसमेकर कौन है, क्वेश्चन में पूछेंगे या होल सेंटेंस में, प्लीज नेम द पेसमेकर. फिर आपका ऑप्शन है फर्स्ट AVN, सेकंड SAN, लॉन्ग फॉर्म्स भी दे सकते हैं, थर्ड परकिंजे फाइबर्स, एंड फोर्थ बंडल ऑफ हिस. बताओ मुझे कौन है इसमें से, कम ऑन एवरीवन. सो पेसमेकर क्या है, कम ऑन, पता है आपको, पेसमेकर ऑफ हार्ट इज SAN. लॉन्ग फॉर्म क्या है इसका, लॉन्ग फॉर्म साइनो एट्रियल नोड. क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, राइट. साइनो एट्रियल नोड इज द पेसमेकर ऑफ हार्ट. क्लियर है, साइनो एट्रियल नोड. मैं क्या मार्क करूंगा उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, सिंगल बेस्ट आंसर हमें मार्क करना है, जो एक ही सही रहेगा इसमें ऑप्शन. सो इट इज साइनो एट्रियल नोड. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ AVN. अच्छा चलो, इसके पहले हम सीखेंगे थ्रू दिस डायग्राम द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, राइट. इसी के पार्ट है ये. अब इसमें से आप मुझे बताओगे व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन AVN. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, शॉर्ट फॉर्म AVN. और एग्जाम में अगर ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म्स दिए तो आपको आना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है लॉन्ग फॉर्म. सो प्लीज राइट डाउन इन योर नोट्स, राइट. SAN इज साइनो एट्रियल नोड. बताओ मुझे इसमें साइनो एट्रियल नोड कौन सा है, राइट. कम ऑन, सी मैंने मार्क किया इसे. अभी आप बोलोगे सर इसमें हार्ट तो समझ में नहीं आ रहा है. सो अभी आपको समझेगा, इसी को मैंने क्या किया, ऐसे लिखा है, ऐसे 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 और ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ पे क्या है, ओपनिंग ऑफ वीना कैवा, देन दिस इज द पार्टीशन बिटवीन इट. फिर यहाँ पे एक और एक मैंने पार्टीशन ड्रॉ किया जो कि वेंट्रिकल्स को दो इसमें डिवाइड करेगा, राइट. देखिए अभी क्लियर हो रहा है, रफ डायग्राम निकला है मैंने. सो इट इज साइनो एट्रियल नोड. यहाँ पे मैंने मार्क किया है फर्स्ट, यहाँ पे एक वेव जनरेट होगा जो कि यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में भी जाएगा, राइट में भी स्प्रेड होगा, राइट. देन इट विल इज कंडक्टेड टू, एरो के थ्रू देखिए, दिस इज जो कि नियर इंटर एट्रियल सेप्टम, जो बीच में है एट्रिया के सेप्टम, और ये जो ट्राइकस्पिड वॉल है इसके पास में है. इट इज कॉल्ड एज AVN, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. अच्छा इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट नियर एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, उनके दोनों के बॉर्डर पे है ना, दोनों के जो बाउंड्री है उसके पास है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. और ऑल्सो उसी के थ्रू पास होता है वो इम्पल्स, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ है फ्रॉम SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, दैट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम SAN टू AVN और बंडल ऑफ हीज. बंडल ऑफ हीज को ट्रांसमिट करने के लिए AVN इज द गेटवे, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा ऐसे, और ये जो बंडल है यहाँ पे जो होता है इसे बोलते क्या है, बंडल ऑफ हीज. लास्ट ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का, राइट, चेक. अब ये बंडल ऑफ हीज दो वेंट्रिकल्स में स्प्रेड होगा ना, सी कैसे ब्यूटीफुल इस डायग्राम में येलो में दिया है मैंने उसे, ब्लैक एरो के साथ मार्क किया है, राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच, क्योंकि भाई अभी दोनों वेंट्रिकल्स को हमें जनरेट कॉन्ट्रैक्शन देना है ना, दोनों वेंट्रिकल्स साथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक तरफ राइट से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, लेफ्ट से कहाँ से जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी टेकन थ्रू सेमिलोनर वॉल्स टू एओर्टा एंड टू
डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, तो भाई इसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें वेव को दोनों तरफ स्प्रेड करना है, तो ये बंडल ऑफ हीज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्रांच लेफ्ट राइट ब्रांच, और इसके डिविजन्स पे यहाँ पे जो फाइबर्स निकलते हैं उसे हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। ये फाइबर्स क्या करते हैं, थ्रू आउट मसल को, जो मसल में स्प्रेड होते हैं वो फाइबर्स, दीज फाइबर्स रन अलोंग द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स एंड हेल्प टू ट्रांसमिट दैट इम्पल्स टू ईच एंड एवरी मसल सेल्स ऑफ दैट वॉल, जो वॉल है ना वेंट्रिकल का जो वॉल है उसको हेल्प करता है कॉन्ट्रेक्शन में। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आसान है, ऑल क्लियर। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और बताओ आपको, आप एक बार देख लो इसे अच्छे से, फिर से इस डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? येलो में जो मार्क किया है एस ए नोड, दिस इज एस ए नोड, इम्पल्स विल बी ट्रांसमिटेड टू ए वी नोड, फिर वो पहले एस ए नोड से राइट में लेफ्ट में भी जाएगा, राइट में भी स्प्रेड होगा, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। देन आपके टेक्स्ट बुक में भी एक ब्यूटीफुल डायग्राम दिया है अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट शोइंग लोकेशन ऑफ पेसमेकर एस ए एन, राइट? सो फिर ए वी नोड्स कहाँ पे है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ से ब्लड आता है, तो अभी ये क्या करेगा, जैसे जैसे इम्पल्स स्प्रेड होगा वैसे वैसे कॉन्ट्रेक्शन होगा। इम्पल्स स्प्रेड हुआ, इतने फास्ट होता है वो, 0.85 सेकंड में तो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इतने फास्ट ये इम्पल्स कंडक्ट होता है, क्योंकि हमें 72 बीट्स पर मिनट करना है, तो उसकी एक्टिविटी भी बिल्कुल फास्ट होगी। इट इज कॉम्प्लेक्स एट सो ब्यूटिफुल, बिकॉज हार्ट को ही सभी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई देना है, राइट? सो इसलिए उसका इस तरह से फंक्शन करना बहुत जरूरी है। सो ए वी नोड है, सेकंड यहाँ पे होता है, सो मेन इज एस ए नोड, इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर। वंस अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को आई एम गिविंग लॉस ऑफ इंपॉर्टेंस बिकॉज क्वेश्चन पूछते हैं फाइनल प्रॉफ्स में, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में, टेंथ बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्यू आप कर लो उसे पेस मेकर के वहाँ पे नोट्स में, पेस मेकर पक्का पूछेंगे आपको, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज एस ए नोड, राइट डाउन इन योर नोट्स। कम ऑन, वीडियो पॉज करना है अगर आपको लग रहा है कि फास्ट हो रहा है या फिर आपको समझ गया है, बट आपको नेक्स्ट टॉपिक से पहले इसे राइट डाउन करना है, सो यू हैव द ऑप्शन टू पॉज दैट वीडियो, सो प्लीज यूज इट, राइट? यूट्यूब वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से राइट डाउन करिए जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और रेड पेन से वहां पे क्यू कर सकते हो, क्यू करोगे तो आपको एकदम में याद आएगा, हाँ सर ने कहा था इस पे क्वेश्चन पक्का पूछेंगे, तो हमें इसे रिवाइज करना है 2-3 बार और इसे पढ़ के जाना है बिफोर द डे ऑफ एग्जाम, फाइनल एग्जाम्स और टेस्ट, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, राइट? देन ए वी नोड से ये बंडल ऑफ हीस है, यहाँ पे ये बंडल है लेकिन ये स्प्रेड होगा, येलो में दिख रहा है आपको, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, और देन देयर विल बी परकिंजे फाइबर्स इनसाइड, मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे होता है ये, क्लियर? अच्छा हमने लास्ट टाइम लास्ट पॉइंट पढ़ा था आर्टिफिशियल पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर क्यों यूज करते हैं हम, आर्टिफिशियल पेसमेकर यानी जो कि लैब में बना है और हमने एक पेशेंट्स के हार्ट में डाला है, वो क्यों डालेंगे, जब हमारा नेचुरल पेसमेकर जो है कौन सा एस ए नोड, अगर वो फॉल्टी है बाय बर्थ और इवन ड्यूरिंग एडल्टहुड और जब हम बड़े होते तब भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर ऐसे नोड अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल पेसमेकर यूज करेंगे। अच्छा देखिए इस स्लाइड में कैसे दिया है, कम ऑन चेक, यहाँ पे दिखाया है आर्टिफिशियल पेसमेकर, दिस इज आर्टिफिशियल पेसमेकर, आपको दिख रहा है, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, दिस इज राइट साइड, राइट? सामने खड़ा है ना कोई, अगर इफ दिस ह्यूमन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी तो इसका हार्ट भी हमारे सामने है, तो मैंने कहा था आपका लेफ्ट यानी ये जो कंप्यूटर का है उसका राइट है, सो ऑलवेज रिमेंबर, इसे बार बार याद रखना, एग्जाम में अगर डायग्राम ड्रॉ करना है आपको वॉल्स का इसका, तो प्लीज डोंट लेबल, रॉन्ग लेबल नहीं करना है, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन नहीं है, राइट ना? अगर ये हार्ट है सो मैंने डिवाइड किया, सो दिस इज राइट एट्रियम आर ए, दिस इज लेफ्ट दिस इज राइट वेंट्रिकल, देन दिस इज लेफ्ट एट्रियम, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, प्लीज राइट डाउन, ऐसा रफ डायग्राम निकालिए अपने नोट्स में और कैपिटल में लिखिए यहाँ पे, व्हाट इसे आप करोगे राइट साइड बड़े इसमें एंड दिस इज लेफ्ट साइड, सो दैट एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो लुक एट दिस फोटो,
ये फोटो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जनरली ऐसे नोड होता है, ये कौन सी वेन है, लोकेशन, कम ऑन, मैंने आपको बार बार ये विजुअल्स दिखाया है, विच इज दिस वेन, सुपेरियर वेना कैवा, जो ऊपर से आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपेरियर वेना कैवा, ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर वेना कैवा. सो इसकी ओपनिंग है यहाँ पे, यहाँ पे जो नोड होगा वो ऐसे नोड होता है, इसका लोकेशन क्या है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कैवा. सो यहाँ से इम्पल्स आएगा, एवी नोड में आएगा, देन इट विल बी स्प्रेड. अभी ये ऐसे नोड अगर फंक्शन नहीं कर रहा है अच्छे से, इट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ऐसे नोड फॉल्टी है, कुछ तो फॉल्ट है उसमें, राइट. अभी वो फॉल्ट किसी भी वजह से हो सकता है, हमें उसके डिटेल्स में नहीं जाना है. सी डिफरेंट ऑर्गन्स में डिसफंक्शन हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो कभी हार्ट का फंक्शनिंग नहीं होता है अच्छे से, कभी लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इट्स बॉडी ना. सो अगर किसी वजह से ऐसे नोड नहीं फंक्शन कर रहा है, सो इट्स अ रेड अलर्ट, बिकॉज हमारी बॉडी का पूरा फंक्शनिंग ऐसे नोड पे, इट इज द की टू फंक्शन ऑफ हार्ट. अगर ऐसे नोड अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो इम्पल्स कहाँ जनरेट होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं होगा तो फिर ब्लड सप्लाई भी नहीं होगा, बिकॉज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए, तो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिलेगा. तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर यूज करते हैं. सी कहाँ पे लोकेट किया है मैंने, आर्टिफिशियल पेसमेकर, फिर से मार्क करता हूं मैं इसे, राइट. सो दिस इज आर्टिफिशियल पेसमेकर, देखो मैंने रेड किया है, दिस इज द लोकेशन, लेफ्ट साइड ऑफ अपर चेस्ट. फिर यहां से एक प्रोब होता है, यहां पे हम इसे फिक्स कर देते हैं, फिर यहां से ये यहां पे जाता है, और यहां से ये जो वायरिंग के थ्रू जो प्रोब्स होते हैं मेटालिक, डिफरेंट देयर आर डिफरेंट मेटल्स यूज इनसाइड, फिर उसे हम फिक्स करते हैं, दे आर बायो बायो मेटल्स होते हैं वो, जो कि बॉडी को सूट होते हैं, वहां से वो इंपल्स जाएगा और हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और सेम वे में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. इसके डिटेल्स आपको नहीं चाहिए, इट इज ऑफ MBBS लेवल, आपको आगे जिनको डॉक्टर बनना है आगे वो सीखेंगे. आपको बस इतना याद रखना है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर मे बी फिक्स्ड इन द हार्ट ऑफ सच अ पर्सन इन इन वूम, जहां पे फॉल्टी ऐसे नोड है, ऐसे नोड वर्क नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे आर्टिफिशियल पेसमेकर को यूज करेंगे, सो दैट हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा और अच्छे से ब्लड सप्लाई होगा और हम हैप्पी रहेंगे. अगर हार्ट अच्छे से फंक्शन करेगा तो ही ऑक्सीजन मिलेगा और ब्लड हर जगह पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा. ऑल क्लियर अबाउट ऐसे नोड, ओके. सो वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट. अच्छा, ब्लड वेसल्स, नॉट ओनली हार्ट, ऑल अवर बॉडी, देर आर बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी, बताओ मुझे. सी बेसिकली थ्री काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन साइड अवर बॉडी, और ये थ्रू आउट बॉडी स्प्रेड है. मैंने आपको शुरू में, आप इफ यू रिमेम्बर अवर इनिशियल सेशंस, मैंने आपको बॉडी में कुछ फुल बॉडी के फोटोज विजुअल्स दिखाए थे, जिसमें आर्टरीज का नेटवर्क है, वेन्स का नेटवर्क है, लिम्फेटिक वेसल्स का नेटवर्क है. कम ऑन, रिमेंबर, कम ऑन, आपके ब्रेन में लोकेटेड है ये इंफॉर्मेशन, विजुअल कॉर्टेक्स, राइट. हमने विजुअल्स देखे थे सेशन में, रिकॉल करिए उसे, जितना आप रिकॉल करोगे उतने अच्छे से वो आपके ब्रेन में रिटेन होगा, फिक्स इन होगा, और आप एग्जाम में भी रिकॉल कर पाओगे, राइट. सो देयर आर थ्री काइंड्स, फर्स्ट टाइप आर्टरीज, कम ऑन राइट डाउन, ऐसे हेडिंग डालिए अपने नोट्स में, थ्री काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे. सेकंड वेन्स, and third capillary. और अगर इसे और सिंप्लीफाई करना है तो आप सेकंड पे कैपिलरी लिख सकते, बिकॉज दे आर द सेंटर. मैं कर लू यहां पे करेक्ट, सो दैट आपको एक सिक्वेंस में अच्छे से मैं समझा पाऊंगा, राइट. सो करेक्ट इट, सेकंड पे आप कैपिलरी लिखिए, यहां पे सेकंड पॉइंट पे मैं भी करेक्ट करता हूं. क्यों करना है करेक्ट, टाइप्स तो सेम ही है, बट आपको एग्जाम में अच्छे से रिकॉल करवाना है मुझे, इसलिए. और आपको याद रहेगा कि कैपिलरी आर द सेंटर, कैपिलरी जो होते हैं, राइट. सो सेकंड कैपिलरी लिख देते हैं हम, एंड थर्ड वेन, क्योंकि कैपिलरीज ही
ब्रांचेस है दोनों के बीच में, राइट? देर आर अर्टरी अर्टेरियोल, देन देर आर कैपिलरीज विच अराइज फ्रॉम दैट अर्टेरियोल, देन देर विल बी वीनस कैपिलरीज, और फिर वहां से ज्वाइन होके वेन बनेगा. अब वो कैसे होता है हम सीखेंगे देखेंगे. फर्स्ट वी नीड टू स्टडी अबाउट अर्टरी. अर्टरी क्या होता है हम पढ़ाई करेंगे अभी, राइट? फर्स्ट पॉइंट अर्टरी, गिव द हेडिंग एज अर्टरी. एग्जैक्टली क्या होता है ये अर्टरी और कैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, एग्जैक्टली जब हम माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ अर्टरी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्टरी. एक अर्टरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ये एक ट्यूब है ना, अर्टरी यानी एक ट्यूब है. सो लेट्स सी. पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि अर्टरी का फंक्शन क्या है. कम ऑन, ये तो आसान है. देखिए ये डायग्राम को, आपको दिख रहा है यहां पे क्या है? सेंटर में हार्ट है, राइट? तो यहां से ये देखिए, ये जो रेड कलर का अर्टरी पास हो रहा है, मैंने एरो किया है. ये क्या कर रहा है? हार्ट से ब्लड को कैपिलरीज के थ्रू बॉडी में, बॉडी टिश्यूज में ब्लड को लेके जा रहा है, राइट? सो अर्टरी इज द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स एनी ऑर्गन. अब समझिए ना, ये एक प्रोटोटाइप है, एक टिश्यू है. ये बॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको नीचे, राइट? दिस ह्यूमन बॉडी. सो अभी क्या हो रहा है, ये ब्लड को जब अर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हार्ट से बाहर, एओर्टा के जो ब्रांचेस है, तभी तो वो बॉडी में टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज एन अर्टरी? अर्टरी क्या होता है? सो An artery, write down, is a vessel. इसे आपको difference में भी पूछ सकते हैं और as a MCQ or fill in the blanks. Is a vessel which carries blood, blood को लेके जाता है away. Please underline, आपके notes में away को क्या करिए? Away from the heart. इस पूरे sentence को अंडरलाइन करिए. अवे फ्रॉम द हार्ट, इसको अंडरलाइन करना जैसे मैंने किया है. अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स एनी ऑर्गन, जो भी ऑर्गन है, लिवर किडनी स्प्लीन ब्रेन कहीं पे भी हो, राइट? सो हमें ऐसे नोट्स बनाना है. समवन अमंग यू, वन स्टूडेंट आस्क मी हाउ टू राइट डाउन नोट्स और हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव नोट्स, राइट? सो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेक्चर्स में बताऊंगा और फिर कंपाइल करके आपको एक शीट फॉरवर्ड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, माय हैंड रिटन पॉइंट्स अबाउट हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स फॉर बायोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट, बट मेनली आपको बायोलॉजी का बताऊंगा बिकॉज दैट्स माय सब्जेक्ट, राइट? सो इट विल हेल्प यू. अभी आपको समझना है, ये भी एक वे है नोट्स का. सो आपने लिखा और इसे अंडरलाइन किया, अवे फ्रॉम द हार्ट. आपको ये लिखना है एग्जाम में. अगर आपको पूछा है अर्टरी डेफिनेशन और व्हाट इज एन अर्टरी, अगर आप इसे ना लिखो और इसमें कोई गड़बड़ी कर दो तो फिर वो गलत हो जाएगा. सो राइट, सो अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स एनी ऑर्गन, राइट? टूवर्ड्स एनी ऑर्गन ये याद रखना है, बट अवे फ्रॉम द हार्ट, नॉट टूवर्ड्स द हार्ट, राइट? ये दिख रहा है ना आपको इस डायग्राम में? चेक, एरो किया है मैंने. आई एम सॉरी, दिख रहा है आपको? एरो किया है मैंने. ये अवे फ्रॉम हार्ट टू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, टिश्यूज में स्प्रेड हो रहा है. क्लियर है? आसान है, राइट? इसमें तो क्लियर है. अभी आप पूछोगे सर स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमें अर्टरी तो समझ में आ गया, व्हाट इज एन अर्टरी, अभी स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो सी, मैंने क्या किया, मुझे अभी इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना है बिकॉज वी आर साइंस स्टूडेंट्स, वी ओनली बिलीव इन साइंटिफिक प्रूफ्स रिसर्चेस और डिफरेंट थिंग्स विच आर प्रूवन बाय अवर साइंस. सो हम क्या करेंगे, मैंने एक हार्ट का एक अर्टरी लिया. ये कौन सा अर्टरी है? कम ऑन एवरीवन, दिस इज एओर्टा. इसके डिफरेंट ब्रांचेस होंगे और बॉडी के ऑर्गन्स को सप्लाई करेंगे, राइट? कहां से निकलता है ये? इट अराइजेस फ्रॉम दिस लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहां पे कौन सा वॉल्व होता है एओर्टा का? सेमीलुनार वॉल्व्स, राइट? रिमेंबर ना, हमने डिटेल में स्टडी किया है. सो मैंने क्या किया, ये जो एओर्टा है ना, इसका यहां पे कट सेक्शन लिया
और इसको मैग्निफाई करके मैं बता रहा हूँ, मैंने इसे माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करना है बिकॉज मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स समझने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अर्टरी, कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछते हैं एज अ शॉर्ट नोट और इवन एज अ लॉन्ग नोट या फिर एज अ डिफरेंस बिटवीन अर्टरी एंड वेन. तो क्या क्या है कैरेक्टरिस्टिक, कम ऑन राइट डाउन. इट हैज थिक मस्क्यूलर वॉल. सी अभी आप देखो ये जो मिडल लेयर है ना, मैं जो मार्क कर रहा हूँ, इट इज मस्क्यूलर, जो रेडिश है ये पूरा मसल्स वाला है. मैं इसे इसका एक पोर्शन में मार्क कर रहा हूँ ब्लैक से, यानी इतना, यानी ये वॉल लेयर इज मस्क्यूलर, दिख रहा है आपको, इट इज मिडल लेयर, स्मूथ मसल्स होते हैं इसमें. यू रिमेम्बर आपको इवन इन नाइन्थ स्टैंडर्ड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू आपने पढ़ा है टॉपिक, नाइन्थ ICSE स्टैंडर्ड, कम ऑन. आप टेंथ में हो बट आपके बेसिक्स नाइन्थ में भी बने हैं, सो प्लीज गो इफ यू हैव द टेक्स्ट बुक एंड रीड फ्रॉम दैट टॉपिक. आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने पढ़ा था एनिमल टिश्यूज में क्या क्या होते हैं, इपिथेलियम, स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड. रिमेंबर ब्लड वेसल में स्क्वैमस इपिथेलियम होता है, देन जो स्मूथ मसल्स कहाँ पे होते हैं, मसल टिश्यू में आपने स्ट्राइटेड मसल्स पढ़ा था जो स्केलेटल में होते हैं जिसपे हम मूवमेंट्स करते हैं बॉडी के. देन यू स्टडी अबाउट वॉट, यू स्टडी अबाउट कार्डियक मसल जिसमें ब्रांचेस होते हैं, रिमेंबर दे आर इनवॉलेंट्री मसल राइट. देन यू स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो जनरली हार्ट से निकलते हैं डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल में क्या होता है, स्मूथ मसल होते हैं ना, वो इनवॉलेंट्री होते हैं. हमारे हाथ में है क्या मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना वेन या अर्टरी के, नहीं. जो अर्टरी में मसल्स होते हैं वो जैसे जैसे ब्लड निकलेगा एक प्रेशर में वैसे वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे और इसी के थ्रू हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं. क्लियर है राइट. सो सी फर्स्ट पॉइंट, थिक मस्क्यूलर वॉल्स दिख रहा है आपको डायग्राम में, राइट डाउन. सी जो भी आपके टेक्स्ट बुक में ब्लैक लेटर्स में, बोल्ड बोल्ड ब्लैक लेटर्स में लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, वो तो आपको एग्जाम में पूछते ही है बिकॉज दैट इज गिवन इंटेंशनली इन द फॉर्म ऑफ दैट बोल्ड ब्लैक लेटर्स और वर्ड्स. होता है ना, कुछ नॉर्मल फॉन्ट में होता है, कुछ ब्लैक बोल्ड लेटर्स में होता है और सेंटेंसेस में होता है. इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपका टेक्स्ट बुक बनाया ही है कि आपको ईजी हो जाए एग्जाम के वक्त, आपको वो मिस नहीं करना है जो ब्लैक बोल्ड लेटर्स में दिया है. और बाकी भी पढ़ना है डेफिनेटली, बाकी में भी पूछेंगे क्वेश्चन, बट आई एम जस्ट गिविंग यू क्ल्यू कि टेक्स्ट बुक में ही आपको दिया है बोल्ड में, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उस पर हाई प्रोबेबिलिटी, देर आर हाई चांसेस कि उस पर क्वेश्चन पूछेंगे राइट. सो फर्स्ट पॉइंट लिख लिया हमने, थिक मस्क्यूलर वॉल्स. देखा आपने मिडल लेयर कौन सा होता है, मसल का. देन नैरो ल्यूमेन, आपको दिख रहा है छोटा ल्यूमेन होता है और इसी के थ्रू ब्लड पास होता है. ये सेंटर का जो है इनर लेयर, नैरो ल्यूमेन, और इसमें जो होता है ना आपको दिख रहा है ये एंडोथेलियम बोलते हैं इसे, स्क्वैमस एपिथेलियम है ये, सिंगल लेयर ऑफ सिमिलर सेल्स, स्क्वैमस एपिथेलियम याद है आपको नाइन्थ में. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोथेलियम, यानी वेसल को लाइन करता है वो, इसलिए उसे बोलते हैं एंडोथेलियम राइट. सो अ नैरो ल्यूमेन, नैरो होता है कंपेयर टू वेन, छोटा सा बिकॉज मसल बड़ा है और हमें एक प्रेशर में उसे भेजना है, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर स्पर्ट्स में, आगे पढ़ेंगे. सो द ब्लड इन इट, यानी इन अर्टरी, द ब्लड इन अर्टरी फ्लोज इन स्पर्ट्स. स्पर्ट्स यानी क्या होता है, स्पर्ट्स यानी इट कम आउट क्विकली विथ ग्रेट फोर्स राइट, विथ ग्रेट फोर्स, क्योंकि भाई हमें एओर्टा से निकल के पूरे ऑर्गन्स को ब्लड देना है ऑक्सीजन में, तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक प्रेशर बनता है राइट, वो सेम प्रेशर अर्टरी में निकलता है और पूरे बॉडी के अर्टरीज में स्प्रेड होता है, क्योंकि इफेक्टिव प्रेशर रहेगा तभी तो वो रीच होगा. हमें ऊपर ब्रेन में जाना है डिफरेंट अर्टरीज के थ्रू, जैसे सबक्लेवियन है, आपके बुक में दिए है डायग्राम जिसमें डिफरेंट अर्टरीज दिया है, सबक्लेवियन, कैरोटिड अर्टरी जो कि ब्रेन को सप्लाई करती है, देन देयर आर हेपेटिक अर्टरी जो कि लीवर को सप्लाई करती है. सो इन सब में कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा, प्रेशर विद ग्रेट फोर्स बिकॉज हमें उसे स्प्रेड करना है, डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड देना है, ऑक्सीजन देना है, तो एक फोर्स तो चाहिए भाई राइट, होगा तभी तो होगा, क्लियर है ना. सो इट द ब्लड इन अर्टरी फ्लोज इन स्पर्ट्स विच करस्पॉन्ड टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, किसको करस्पॉन्ड करता है वो, विच
corresponds to ventricular contraction. सही है ना, देखिए इस हार्ट में लेफ्ट में देखिए पिक्चर में ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तभी तो ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जैसे होगा उसी के साथ एक फोर्स बनेगा और एओर्टा के थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू ऑर्गन्स को स्प्रेड होगा हर एक कार्डियक साइकिल के साथ. क्लियर है, राइट? सो इट इज दैट सिंपल, राइट? और जो आउटर लेयर होता है वो कोलेजन फाइबर्स का होता है, जो भी आर्टरी के ऐसे थ्री लेयर्स होते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मसल लेयर, मिडिल वन, थिक मस्कुलर वॉल्स. आपको भूलना नहीं है, ऐसे मस्कुलर वॉल्स वेन्स में नहीं होते. तो अभी वेन्स कैसे होते हैं हम देखेंगे, बट उसके पहले आपको आर्टरी का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? एनी डाउट्स? फिर से देखिए इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, सी ये एक सिंगल आर्टरी है. मैंने इसका कट सेक्शन लिया है, यहां से कट करके मैं अंदर देख रहा हूं कि इसमें क्या क्या है. सो सबसे बड़ा लेयर है मिडल लेयर, दिख रहा है आपको ये थिक मस्कुलर वॉल. मैंने इसे ब्लैक से मार्क किया है एक एरिया, आपको समझे कि इतना थिक है ये, और ऐसे थ्रू आउट है ये पूरा. और फिर अंडर का तो एंडोथेलियम है, और फिर ल्यूमेन भी नैरो है. इसके अंडर एक प्रेशर में ब्लड आता है और डिफरेंट ऑर्गन्स को स्प्रेड होता है. क्लियर है, आसान है. इट इज ऑल अबाउट आर्टरी. बेसिक कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया? माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अगर मैं एक ट्यूब एक आर्टरी को निकालूंगा उसको कट करूंगा तो अंदर मुझे मसल लेयर दिखेगा बड़ा. देखो जैसे हम जिम में भी वर्क करते हैं तो मसल होते हैं, तभी तो हम एक वर्क कर पाते हैं प्रेशर के साथ, वी कैन वर्क आउट. उसी तरह आर्टरी में मसल्स होंगे तभी तो वो डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करेगा ब्लड. उसका मेजर फंक्शन है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो एओर्टा में ब्लड आएगा उसे स्प्रेड करना है विद दैट कॉन्स्टेंट फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. तभी तो हम आर्टरी में ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, बिकॉज दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दे विद द सेम प्रेशर दे और विद अ ग्रेट फोर्स दे सप्लाई टू डिफरेंट ऑर्गन्स. हम आगे पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर. अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आर्टरी में थिक मस्कुलर वॉल्स होते थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ आर्टरी. क्लियर है, राइट? और आपको और एक इंटरेस्टिंग बात जो हमने पीछे सीखा था, सी ये एक नॉर्मल कट सेक्शन है आर्टरी का, और इसमें क्या हुआ है नीचे देखिए एरो में फैटी मटेरियल डिपॉजिट हो गया है. मैंने आपको सिखाया था इट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ओल्ड एज लोगों में जो अनहेल्दी फूड और इसके साथ आर्टरी में डिपॉजिट होते रहता है और फिर हार्ट अटैक आता है. क्यों आता है? सी ये येलो 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 जो ब्लॉक कर दिया है, तो अभी जो ये नॉर्मल ल्यूमेन था ऊपर देखिए फर्स्ट पिक्चर में, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो आप नीचे देखिए कि इसके कंपैरिजन में इसका ल्यूमेन छोटा हो गया, बिकॉज उसमें इतना डिपोजिशन हो गया है, आर्टरी बिकम्स नैरो, और फिर उसमें ब्लड क्लॉट कभी गलती से आ गया है या फिर वहां पे कुछ इंजुरी हो गई, सपोज टियर इन आर्टेरियल वॉल हो गया, बिकॉज ब्लड इज ट्राइंग टू पुश, उसे उस डिपॉजिटेड मटेरियल के अगेंस्ट आगे जाना है, ऑर्गन्स को सप्लाई करना है. तो जहां पे भी टियर इंजुरी होगा, हमने सीखा है कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होता है, प्रोथ्रम्बिन, थ्रम्बिन, थ्रम्बोकाइनेज, कैल्शियम डिफरेंट कम, और यहाँ पे क्लॉट बना देंगे. और अपने ही बॉडी के वेसल्स में अगर क्लॉट बन गया, सपोज करोनरी आर्टरी में बन गया, तो क्या होता है वहां पे? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. याद आ रहा है कुछ? रिवाइज करो बच्चों, भूलना नहीं है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. और इसी के थ्रू फिर आर्टरी में अगर हार्ट के ब्लड वेसल्स में इन्फार्क्शन हो गया तो फिर क्या होगा भाई? हार्ट को ही ब्लड नहीं मिला तो हार्ट के मसल्स डेड हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे? इसे ही बोलते हैं हार्ट अटैक, और उस पेशेंट की इंस्टेंट डेथ भी हो सकती है, आईसीयू में एडमिट हो सकता है. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है? आर्टरी में इसलिए ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए. हेल्दी फूड खाओगे तो 50, 60, 70 इयर्स तक एक्सरसाइज करोगे, वेट गेन नहीं करोगे, और अच्छे से अपने वेट को मेंटेन रखोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अच्छे से आर्टरी का ल्यूमेन विदाउट ब्लॉकेजेस होगा, उसमें कोई ब्लॉक नहीं होगा, बिकॉज यू आर ईटिंग हेल्दी फूड, नॉट जंक फूड. वंस अ वाइल इट्स ओके, बट ज्यादातर टाइम हमें, मेजोरिटी टाइम हमें हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड हेल्दी फूड जो हमारे पेरेंट्स हमें सजेस्ट करते हैं उसे ही खाना है. याद रहेगा ना क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है? आपको बायोलॉजी में सब कुछ दिया है अबाउट अवर लाइफ स्टाइल, इट इज नॉट अबाउट बिकमिंग डॉक्टर. आगे बनना है या नहीं बनना है भाई, वो आपका चॉइस है, बट इट इज अबाउट नोइंग अवर ओन बॉडी.
अगर हम अच्छे से हेल्दी रहेंगे तभी तो हम अच्छे इंजीनियर एस्ट्रोनॉट्स आईआईटीएम्स बनेंगे, अगर तभी तो हम सक्सेस की सीढ़ियों को ऊपर चढ़ेंगे। तो हमें बेसिक खुद के बॉडी के रिलेटेड तो जानना है। सो ट्राई टू एंजॉय दिस सब्जेक्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेन पढ़ेंगे। हमने आर्टरी समझ लिया, ऑल क्लियर। सो वी विल मूव ऑन टू वेन, आवर नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक, राइट। वेन क्या होता है हम सबको पता है, जो कि क्या करता है, इट इज अ वेसल विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम एनी ऑर्गन, अवे फ्रॉम एन ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट। सो व्हाट वेन इज अ वेसल, राइट डाउन, पूछ सकते हैं डिफरेंस में भी, आपको ये पॉइंट लिखना ही है इफ दे आस्क यू डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। और अभी भी आपको समझना है, वेन इज अ वेसल विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम ऑर्गन। आर्टरी क्या है, इट कैरीज अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन को। अभी ऑर्गन में ब्लड आ गया है तो ऑर्गन का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है उसे भी तो फिर से हार्ट में लाना है थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा टू राइट एट्रियम। दिस इज द साइकिल ना, ऐसे सर्कुलेशन होता है कंप्लीट, राइट। तभी तो हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीजनेट करेंगे थ्रू लंग्स एल्वियोलाई, राइट। सो वेन इज अ वेसल विच कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन टुवर्ड्स द हार्ट, जो राइट एट्रियम में जाता है ना, सो टुवर्ड्स हार्ट। Obviously, organ से जाके कहाँ निकलेगा, हार्ट में, एट्रियम में। सो अवे फ्रॉम एन ऑर्गन, अंडरलाइन दिस पार्ट, एंड टूवर्ड्स द हार्ट भी लिखना है आपको। सो प्रॉपरली आपको इसी वर्ड्स में लिखना है, अगर आपको वेन का डेफिनेशन पूछे या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स या इवन एज एमसीक्यू पूछे, राइट। अभी आप देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सी दिस ब्यूटिफुल पिक्चर, दिख रहा है आप सबको ये पिक्चर। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, ल्यूमेन देखिए, इसका वाइड ल्यूमेन है कंपेयर टू आर्टरी, ऑब्वियसली दिख रहा है ये तो हमें। सो क्या होता है, इट हैज अ वाइडर ल्यूमेन, फर्स्ट पॉइंट, बिट ऑब्वियस ना, दिख रहा है आपको ये इतना बड़ा ल्यूमेन है। इसमें जो वॉल्स है, एंडोथेलियल सेल्स का लाइनिंग है वो तो ठीक है, दिस एंड जो इनसाइड का है, दिस ल्यूमेन वाइड है ना, बहुत सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आएगा और ऊपर जाएगा। ऑल्सो इट हैज थिन मस्कुलर वॉल, राइट डाउन थिन, थिन को सर्कल कीजिए या फिर अंडरलाइन कीजिए अपने नोट्स में, थिन मस्कुलर वॉल्स। कंफ्यूजन नहीं करना है एग्जाम में जब लिखो डिफरेंस में, राइट। दिख रहा है आपको इस डायग्राम में, मैंने कट सेक्शन लिया एक वेन का जो कि लिवर से निकला या फिर इवन हार्ट जहां से भी निकला हो, इवन इफ यू टेक द कट सेक्शन ऑफ सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा विच ओपन इन राइट एट्रियम, फिर भी आपको यही दिखेगा, इट हैज अ थिन मस्कुलर वॉल, क्योंकि हमें इसमें तो कोई फोर्स नहीं चाहिए ना, यानी वॉल्स होंगे बैक फ्लो प्रिवेंट करने, बट हमें ऑर्गन्स को सप्लाई तो कर लिया है आर्टरीज ने, हमें सिर्फ ब्लड को लेके जाना है, बस इसे बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए इसमें वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स, राइट। ब्लड इन इट फ्लोस यूनिफॉर्मली, थर्ड पॉइंट, ब्लड इन अ वेन फ्लोस यूनिफॉर्मली, एकदम कांस्टेंट प्रेशर में, स्पर्ट्स में नहीं होता है, जैसे आर्टरी में ग्रेट फोर्स के साथ स्प्रेड होता है, वैसे इन वेन इट फ्लोस इन द सेम इन ऑल केसेस एट ऑल टाइम्स, यूनिफॉर्मली होता है एकदम, कोई इसमें कोई ब्लड प्रेशर भी हम आर्टरी में मेजर करते हैं इसलिए, क्योंकि प्रेशर इतना कम होता है, यूनिफॉर्मली वेन्स में जाता है और डिफरेंट वेन्स से कलेक्ट होकर फाइनली इट ओपन्स इन राइट एट्रियम, क्लियर है। अल्सो देखिए इसमें वॉल्स होते हैं, आर्टरी में नहीं होते, बेसिक मेन डिफरेंस है ये, और एक जो आपको डिफरेंस में लिखना है, सी देखिए यहाँ पे हम कंपेयर करें, दिस इज एन आर्टरी फर्स्ट, सेकंड इज वेन, दिख रहा है आपको इसका थिक मस्कुलर वॉल है जो मैंने दिखाया है, राइट, दिस थिक मस्कुलर वॉल, इसमें देखिए एकदम थिन है सेकंड पिक्चर में, वेन में इसका ल्यूमेन थोड़ा छोटा है तो इसका वाइड है। अच्छा वॉल्स, वॉल्स दिख रहे हैं आपको, ये देखिए वॉल्स ब्लू कलर के सेकंड पिक्चर में, नीचे वेन में दिख रहा है आपको, दिस आर वॉल्स, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो। देखिए आर्टरी में तो ग्रेट फोर्स के साथ है तो इसे वॉल्स की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो फोर्स से ऊपर ही जाएगा, अगर ब्रेन में जाना है या फिर नीचे आना है तो ऑब्वियसली नीचे तो आएगा ही डिफरेंट ऑर्गन्स को फ्रॉम एओर्टा, क्लियर है। बट वेन जो है, वेन को नीचे के बॉडी ऑर्गन से ऊपर ओपन होना है सुपीरियर इंफीरियर राइट एट्रियम में,
तो अगर इतने यूनिफॉर्म और कंपैरेटिवली लो प्रेशर में अगर ब्लड को फ्लो होना है टू हार्ट और हमें बैक फ्लो प्रिवेंट नहीं करना है, अगर ब्लैक फ्लो होने लगा, बैक फ्लो अगर ब्लड का हुआ तो फिर से वो ब्लड ऑर्गन्स में आएगा, हार्ट के इतने ऊपर कैसे जाएगा हार्ट के तरफ। इमेजिन नीचे ऑर्गन्स है, लेग्स, थाइज, एब्डोमेन, सब ऑर्गन्स से लेके ऊपर हार्ट में जाना है, सेंटर में होता है ना चेस्ट में हार्ट, तो यहाँ पे ऐसे वॉल्स होते हैं, दिख रहा है आपको ये सेकंड पिक्चर वेन का, सी लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन, राइट, ये दिख रहा है आपको, ये वॉल्स होते हैं ऐसे वॉल्स, ये ब्लू कलर का वेन है। तो ये क्या करते हैं, इस ब्लड के ऑटोमेटिक ओपन होते हैं और फिर क्लोज हो जाएंगे जब ये ब्लड ऊपर जाएगा, सो दैट वो वॉल्स क्लोज हो जाएंगे, सो दैट बैक फ्लो प्रिवेंट करना है हमें, राइट। सो थिन पॉकेट शेप्ड, राइट डाउन इन योर नोट्स, थिन पॉकेट शेप्ड वॉल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो, राइट। आसान है, अभी हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। सी, मैंने एग्जैक्ट स्लाइड लिया है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बिकॉज हमें डिफरेंस को अच्छे से लर्न करना है, और मैंने इंटेंशनली ये स्लाइड लिया है इन दिस वीडियो सेशन, बिकॉज आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग समझे कि हमें कैसे पढ़ना है घर जाके। डिफरेंस पूछते हैं वेरी कॉमनली, राइट। सो आप आइदर टेक्स्ट बुक में इसे क्यू मार्क कीजिए, क्यू यानी क्वेश्चन विच हैज द हाई प्रोबेबिलिटी टू कम इन योर एग्जाम और टेस्ट, जो भी आपका नेक्स्ट होगा, रेगुलर टेस्ट इन योर स्कूल्स और एकेडमी और इवन एग्जाम, और प्लस आपको समझ में आया कि आपको कैसे पढ़ना है इसे, राइट। इसे हमें बार 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 अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बिल्कुल आसान है। सो सी, फर्स्ट इज आर्टरीज, हमने पढ़ा वेन्स, सी हमने जो भी पढ़ा उसी का रिविजन है ये। फर्स्ट तो डेफिनेशन, ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इन टू एन ऑर्गन, राइट, बोल्ड में दिया है ब्लैक लेटर्स में, इफ यू वॉन्ट आप टेक्स्ट बुक में भी इसे अंडरलाइन कर सकते हो। एंड वेन्स, वेन्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एन ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट के तरफ जाएंगे, ऐसे हमें पढ़ना है। यू कैन यूज रेड पेन और इवन ब्लू पेन, जो भी आपको यूज करना है, विच विल मेक कॉन्ट्रास्ट ऑन दैट, सॉरी, विच विल मेक अ कॉन्ट्रास्ट ऑन दैट पेज, कि आपके विजुअल मेमोरी को हाईलाइट होगा एग्जाम के वक्त, राइट। तो थोड़ा सा यूज योर ओन टेक्निक्स वाइल रीडिंग द टेक्स्ट बुक फॉर बायोलॉजी, इट इज वेरी ईजी। So, हमने पहले तो डेफिनेशन का पॉइंट सीख लिया, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट, सेकंड वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमने देखा क्या होता है, प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग इन साइज, दे आर इंक्रीजिंग इन साइज, राइट। शुरू में क्या होता है, बड़ा होता है आर्टरी, और फिर धीरे धीरे ब्रांचेस निकलते हैं आर्टरीज, कैपिलरीज, एंड दे आर डिक्रीजिंग, और फिर टिश्यू में सप्लाई करते हैं ब्लड को। व्हाइल वेन्स क्या होंगे, वेन्स तो यूनाइट होते हैं ना, जब जो कैपिलरीज है अर्टेरियल कैपिलरीज, वो वेन्यूल कैपिलरीज बनेंगे, वेन्यूल्स बनेंगे, और फिर वेन बनके राइट एट्रियम में ओपन होगा, राइट। सो वेन्स अराइजेस फ्रॉम वेन्यूल्स एंड दे आर यूनाइट, प्रोग्रेसिवली यूनाइटिंग एंड इंक्रीजिंग इन साइज, धीरे धीरे बढ़ेंगे। हम और एक स्लाइड में देखेंगे कैसे होता है, राइट। स्मॉलेस्ट आर्टरी ब्रेक्स इनटू आर्टेरियोल्स और स्मॉलेस्ट वेन अराइजेस फ्रॉम वेन्यूल्स, आसान है। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड हैव थिक एंड मोर मस्कुलर वॉल, आर्टरीज में थिक एंड मस्कुलर वॉल्स होते हैं, व्हाइल वेन्स में थिन एंड लेस मस्कुलर वॉल्स, क्योंकि हमें आर्टरी में विद ग्रेटर फोर्स ब्लड को सप्लाई करना है, इसलिए थिक वॉल्स होंगे। थ्री थ्री पॉइंट्स क्लियर है दोनों के डिफरेंस में, सी आई एम गोइंग स्ट्रिक्टली एज पर योर टेक्स्ट बुक, सो यू कैन रेफर लेटर इन योर टेक्स्ट बुक, अभी सिर्फ फोकस करिए, नो नीड टू राइट डाउन, जस्ट रीड दिस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हाउ टू रीड, पहले आप टेक्निक तो समझ लीजिए हमें कैसे पढ़ना है टेक्स्ट बुक से बायोलॉजी को। फोर्थ, वॉल्स आर इलास्टिक, हाँ हमने सीखा था, इलास्टिक होंगे तभी तो उसमें विद ग्रेटर फोर्स फ्लेक्सिबिलिटी होंगी उनके वॉल्स में, और जो वेन्स के होते दे आर नॉन इलास्टिक, कॉन्ट्रास्ट है ना, इसके इलास्टिक होंगे तो डिफरेंस में क्या होगा, इट इज नॉन इलास्टिक। आर्टरी लेफ्ट में, राइट में, वेन्स स्टडी कर रहे हैं हम, राइट। अगेन ल्यूमेन नैरो आर्टरी का, वाइडर ल्यूमेन, देर आर नो वॉल्स, रिमेंबर आर्टरी में एनी वेज एक प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो हो रहा है, तो देर इज नो नीड ऑफ वॉल्स। हाँ वेन्स में, लेकिन नीचे से राइट एट्रियम में जा रहा है ब्लड, तो बैक फ्लो नहीं होना चाहिए भाई, मुझे तो कुछ भी करके ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाना है, बिकॉज ब्लड इज डी ऑक्सीजनेटेड और हमें उस ब्लड को ऑक्सीजनेट करना है लंग्स में, सो वेन्स में वॉल्स होते हैं, हैव वॉल्स।
देन दे कैन कंस्ट्रिक्ट और डायलेट टू कंट्रोल ब्लड फ्लो. अब मसल है तो दे कैन कंस्ट्रिक्ट ना, मसल होंगे तभी तो कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होंगे आर्टरी या फिर आर्टेरियोल. लेकिन वेन्स में दे कैन नॉट कंस्ट्रिक्ट बिकॉज उसमें बहुत थिन मस्कुलर होल्स. देन यूजुअली दे आर डीपर प्लेस्ड. जो स्किन के थ्रू आपको वेन्स दिखते हैं बट आर्टरी दिखता है क्या? नहीं. सो आर्टरी डीपर होता है एकदम बॉडी में बट वेन्स आर सुपरफिशियल. दे आर नियर टू स्किन सर्फेस. दे डू नॉट कोलैप्स. आर्टरी कोलैप्स नहीं होते वेन एम्प्टी होता है बिकॉज अगर वो कोलैप्स हो गए तो कॉन्स्टेंट प्रेशर कैसे मेंटेन होगा. बट वेन्स कोलैप्स वेन दे आर एम्प्टी. देन ब्लड फ्लोज इन जर्क्स स्पर्ट्स प्रेशर. और इसमें ब्लड फ्लोज कंटिन्यूअसली इन वेन्स. सो इट इज ऑल अबाउट वेन राइट. एंड हियर इट इज ऑल अबाउट आर्टरी. देन लास्टली इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. याद है ना डिक्टम, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू जो भी ब्रांचेस निकलेंगे एक्सेप्ट पल्मोनरी. मैंने कहा था पहले भी, रिमेंबर अवर प्रीवियस सेशंस, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी इन बॉडी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स राइट. याद आ रहा है आपको? व्हाइल वेन्स जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो भी टिश्यू में ब्लड होता है ना जो डीऑक्सीजनेटेड है राइट. सो जो भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है उसे कैरी करेंगे वेन्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो कि लंग्स से निकलते हैं और ओपन होते हैं कहाँ पे? पल्मोनरी वेन ओपन इन लेफ्ट एट्रियम और वहां से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर नीचे लेफ्ट वेंटिकल के थ्रू एओर्टा से निकलेगा. सो पल्मोनरी वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बाकी जनरली जो भी ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड वो वेन्स कैरी करते हैं. सो वेन्स में जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन. सो क्लियर है डिफरेंस आप सबको राइट? आर्टरी एंड वेन घर जाके आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ना है. इसके नोट्स आपको टेक्स्ट बुक से कॉपी करके आइदर यू राइट डाउन इन योर हैंड रिटन नोट्स योर नोटबुक और मार्क क्यू इन योर टेक्स्ट बुक. अगर आपको लग रहा है कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो प्लीज मार्क क्यू बिकॉज देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके फाइनल प्रॉप्स या एग्जाम्स में फाइनल आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में इसे जरूर पूछेंगे. सो प्लीज जब भी मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ उन चीजों को आपको रिवाइज करना है बार बार एंड रीड इट विथ अंडरस्टैंडिंग. हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखे है एग्जैक्टली क्यों होते हैं थिक वॉल्स मसल्स क्यों होते हैं थिक क्यों प्रेशर किसमें ज्यादा होता है वॉल्स क्यों होते हैं वेन्स में राइट. अभी ये अच्छे से एक ब्यूटिफुल पिक्चर है आप इसे समझिए. ये हार्ट है क्लियर है हार्ट. सो यहां से एओर्टा के थ्रू ये आर्टरी निकल रहा है एओर्टा ये दिख रहा है एओर्टा. अब ये एक एओर्टा अगर एक बड़ा आर्टरी है तो इसका ब्रांच होगा लार्जर आर्टरी निकलेगा एंड देन देयर विल बी स्मॉलर आर्टरी बिकॉज सारे बॉडी के ऑर्गन्स को हमें सप्लाई करना है तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ ब्रांचेस बॉडीज फुल नेटवर्क ऑफ आर्टरी राइट. उसके बाद आर्टरी का जो एक और एक ब्रांच निकलता है नीचे देखिए इसे बोलते हैं आर्टेरियोल. क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल. आपको समझना है आपके बुक में भी दिया है. सो अगर ये एक आर्टरी है उसका एक ब्रांच निकल रहा है सो इट इज आर्टेरियोल. देखिए ना नाम में दिया इट इज समथिंग अराइजिंग फ्रॉम आर्टरी सो कॉल्ड एज आर्टेरियोल. और फिर आर्टेरियोल से ही ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल के छोटे छोटे दे आर कॉल्ड एज कैपिलरी जो कि ये टिश्यू में ये अगर टिश्यू है तो यहाँ पे टिश्यू को सप्लाई करेंगे. कैपिलरी के थ्रू तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है राइट. हम आगे देखेंगे कैसे. सो कैपिलरीज कैपिलरीज को आपको अच्छे से समझना है राइट. ये देखिए कैपिलरीज फिर यही कैपिलरीज के ब्रांचेस यूनाइट होंगे. क्या होगा? यूनाइट होके वेन्यूल बनेगा सॉरी वेन्यूल. सो देर आर कैपिलरीज विच विल बी फर्स्ट आर्टेरियोल देन कैपिलरीज देन वीनस कैपिलरीज. वेन्स के भी कैपिलरीज बनेंगे यहां पे वेन्स के निकलेंगे. मैं ब्लू में मार्क करता हूं तो आपको समझेगा कैसे होता है. सो वीनस कैपिलरीज दे यूनाइट टू फॉर्म अ वेन्यूल. जैसे आर्टेरियोल होता है वैसे वेन्यूल होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा एंड देन दैट वेन्यूल विल फॉर्म अ बिग वेन. आसान है ऐसे स्ट्रक्चर होता है आर्टरी एंड वेन का. और फिर वो वेन्स कहाँ पे ओपन होंगे? वेना कैवा में ना. ये जो दिख रहा है आपको सुपीरियर इन्फेरियर वेना कैवा यहाँ पे देखिए लेफ्ट में स्क्रीन पे ये फिर राइट एट्रियम में सब वेन्स ज्वाइन होके सुपीरियर एंड इन्फेरियर वेना कैवा बनेंगे क्योंकि उनमें सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
ब्रेन का, डिफरेंट ऑर्गन्स का, और फिर वो राइट एट्रियम में डाल देंगे और फिर वो ब्लड ऑक्सीजनेट होके फिर से आउटर के थ्रू निकलेगा. सी हाउ ब्यूटिफुली नेचर मेड दिस सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस हार्ट, इट फंक्शन सो ब्यूटिफुली, इजंट इट? आसान है. अभी मैं क्या करता हूं, फिर से आपको और एक डायग्राम बता रहा हूं. आप देखिए आर्टरी, हार्ट से देर आर व्हाट, आर्टरी इज अ वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से अवे होके ये टिश्यू है इतना. अगर ये एक टिश्यू है, आपको समझना है, प्लीज फोकस हियर, राइट. अगर ये एक टिश्यू है, देखो मैंने सर्कल किया है, राइट. सो यहां से आर्टेरियोस निकलेंगे, ब्रांचेस ब्रांचेस, फिर यहां पे कैपिलरी जहां पे एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स होगा सेल्स में, देन दे विल जॉइन जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वीनस कैपिलरीज के थ्रू एक वेन्यूल बनेगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा, देन बड़ा सा वेन बन के वो एंटीरियर सुपेरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा से हार्ट में ओपन होगा. क्लियर है? अभी हम अगर फिर से इसे देखे तो ये ऐसे होता है नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं बॉडी में, बहुत सारे, राइट. सो कैपिलरीज को समझने के लिए हमें फिर से क्या करना है, राइट. कैपिलरीज को समझने के लिए मैंने उसका एक क्रॉस सेक्शन लिया. सी क्रॉस सेक्शन लिया तो मुझे क्या दिखा, ये एक सिंगल कैपिलरी, छोटा सा, ऐसे बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं बॉडी में. सो इट इज अ कैपिलरी. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिलरी, पहले तो आपको क्लियर हो गया ना कैपिलरी कैसे बनता है, राइट. और आपको ये भी समझना है कि आर्टरी की जो ब्रांच होती है आर्टेरियोल, आर्टरी से निकलता है ना, इट इज हाईली मस्कुलर. जैसे आर्टरी में मसल होता है वैसे इसमें भी, और ये ना इतना मस्कुलर होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है. और आर्टेरियोल कैन चेंज इट्स डायमीटर क्योंकि उसमें मसल है, राइट. अभी मैंने क्या किया, कैपिलरी का क्रॉस सेक्शन लिया. ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको कैपिलरी, इस सिंगल लेयर एपिथेलियम होता है, एंडोथेलियम बोलते हैं इसे, जिसके थ्रू डिफ्यूजन होता है. हमने सीखा है, याद करो, सी दिस हीमोग्लोबिन, भूलना नहीं है प्रीवियस लेक्चर्स, रेड 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 हीमोग्लोबिन, ब्लड आरबीसी बायकॉनकेव शेप्ड, इसके थ्रू ऑक्सीजन जाएगा बॉडी सेल्स में, न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होंगे सेल्स में, यहाँ पे सेल्स है, सब तरफ टिश्यू है, इंटरसेलुलर स्पेस है, फिर डीऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड है, ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, जिसमें ऑक्सीजन कम है कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेंस के थ्रू बाहर निकलेगा. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सो कैपिलरी हैज व्हाट, अ सिंगल कैपिलरी अगर मैं स्टडी करूं, इट्स वॉल कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सिंगल लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है, सिंगल लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम. आसान है, राइट, क्लियर. देन व्हाट इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी उसमें मसल नहीं होता है, आर्टरी में होता है, डोंट कंफ्यूज, मसल का कोई रोल नहीं. अगर मसल रहा तो उसके थ्रू डिफ्यूजन होगा का नहीं होगा. ये अगर सेल्स है, ये कैपिलरी है, इसको अगर हमने मसल दे दिया तो इसके थ्रू कैसे न्यूट्रिशन का डिफ्यूजन होगा, हमें सिर्फ फ्लैट सिंगल लेयर चाहिए. सो नो मसल्स, राइट डाउन, मसल्स नहीं होते हैं कैपिलरी में, राइट. आपको याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिलरीज. सो टोटल नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द होल बॉडी आर ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल, हम गिन भी नहीं सकते, वी कांट इवन मेजर देयर नंबर, राइट. इतने सारे ब्लड कैपिलरीज थ्रू आउट बॉडी. और एक इंटरेस्टिंग चीज आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, एक बॉक्स में क्या बोला है उन्होंने, इफ ऑल द ब्लड कैपिलरीज ऑफ योर बॉडी प्लेस्ड एंड टू एंड एंड इफ यू एक्सटेंड टू अ लेंथ, वो फिर 1000 किलोमीटर भी कम गिरेगा. इतना लंबा नेटवर्क है कैपिलरीज का, देयर टोटल वॉल सर्फेस एरिया वुड बी मोर देन 500 स्क्वायर मीटर अगर हम एक्चुअल में ट्राई करें उसका सर्फेस एरिया मेजर करने का. So, arteries are spread throughout body. अब functions क्या है artery के? पता है आपको artery के functions क्या होते हैं? Functions of capillary, sorry, not artery, उसकी branch देख रहे हैं आप? Functions of capillary, write down. Textbook से फिर से पढ़ना है आपको, काफी आसान है ये.
फर्स्ट फंक्शन आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, हमने देखा ऊपर डायग्राम में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा ना और सेल्स में जाएगा, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट टिश्यूज सेल्स इंटरसेल्युलर फ्लूइड। देखिए फिर से ऊपर डायग्राम में कैसे ऑक्सीजन बाहर निकला है, दिख रहा है आपको आउटवर्ड डिफ्यूजन, राइट डाउन। देन अलाउ इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो मैंने डिवाइड किया है इसे पार्टीशन में, राइट सी, अभी देखिए आप पार्टीशन किया है मैंने इस फोटो में, यहां पे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल रहा है कैपिलरी के बॉडी सेल्स में, वाइल इन राइट साइड ऑफ द पिक्चर यू कैन सी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है थ्रू मेटाबॉलिज्म वो इसके अंदर जाएगा एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, हमने सीखा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन इट फॉर्म्स कार्ब अमाइनो, लाइकवाइज व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, याद है ना पॉइजनिंग ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन फर्नाइसेस इन इंडस्ट्रीज मेटल, रिवाइज करिए टेक्स्ट बुक में दिया है अच्छे से, ओके अभी हम पढ़ रहे कैपिलरी का स्ट्रक्चर, सो फॉरगेट अबाउट दैट, उसे आप रिवाइज कर लोगे। सो थर्ड फंक्शन क्या है, सेकंड हमने देख लिया इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंटरसेलुलर, ये जो फ्लूइड है यहां से फिर से जाएगा आरबीसी के हीमोग्लोबिन में एंड इट विल बी कैरीड इन हार्ट एंड देन टू लंग्स, लंग्स के कैपिलरीज में जब आएगा तो लंग्स के थ्रू हम एक्सहेल करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच विल बी यूज्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आसान है। सो इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंटरसेलुलर फ्लूइड, ये जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड है यहाँ पे जो भी CO2 है वो फिर से अंदर जाएगा एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वेन टू हार्ट राइट एट्रियम देन लंग्स थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड देन थ्रू आउट द बॉडी, आसान है राइट। देन इट अलाउ इनवर्ड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज अमाइनो एसिड यूरिया, आसान है। एंड फोर्थ द वेस्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है ये इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ल्यूकोसाइट्स याद है आपको डायपेडेसिस अमीबॉइड मूवमेंट, ऐसे होता है ना जब ल्यूकोसाइट्स कोई डिफेंस सिस्टम कोई बैक्टीरिया आ गया है तो कैपिलरी के वॉल्स के थ्रू ही तो वो अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू बाहर निकलेगा। सो कैपिलरीज अलाउ ल्यूकोसाइट्स दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूको इज व्हाइट सो दे अलाउ ल्यूकोसाइट्स टू स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स थ्रू अमीबॉइड मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट, याद रहेगा आपको ये सभी फंक्शंस है जो एग्जाम में पूछेंगे, अच्छे से फिर से टेक्स्ट बुक से लिख के आपको लिखना है एंड यू नीड टू आंसर करेक्टली, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज सॉरी देन अलॉट डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस आउटवर्ड एंड इनवर्ड, क्लियर है, आउटवर्ड डिफ्यूजन इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ CO2, आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन देन डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज एंड फोर्थ ल्यूकोसाइट WBC, राइट। सो ये यहां पे नोट्स में आपको क्या करना है, बड़ा सा क्यू मार्क करना है नोट्स में, इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे हाई प्रोबेबिलिटी, राइट। सो फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज वेर डन, अभी हम देखेंगे एक स्पेसिफिक एक्टिविटी या फिर जो कि कैपिलरीज में होता है वैजो कंस्ट्रिक्शन एंड वैजो डायलेटेशन, अब ये क्या होता है हम समझेंगे, राइट। सी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कैपिलरी जो भी बॉडीज में होते हैं कैपिलरीज हैव द पावर ऑफ डायलेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये एक कैपिलरी है सपोज, तो ये डायलेट भी हो सकता है, डायलेट होके बड़ा भी हो सकता है ऐसे, सो दैट मोर ब्लड कैन बी ट्रांसपोर्टेड और इट कैन कंस्ट्रिक्ट ऐसे ऊपर जो मैंने दिया है, छोटा भी हो सकता है। अब वो क्यों होगा हम सीखेंगे एग्जैक्टली होता क्या है। सो फर्स्ट वैजो डायलेटेशन और वैजो डायलेशन, वैजो डायलेशन यानी मीनिंग क्या है, वैजो वैजो इज रिलेटेड टू वेसल यानी कैपिलरी इज अ वेसल, डायलेशन यानी समथिंग इज इंक्रीजिंग इन डायमीटर, डाई राइट डायलेशन, आसान है। सो वैजो डायलेशन, और जब वैजो डायलेशन होगा तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई, इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई, राइट डाउन इन योर नोट्स,
वैजोडाइलेशन, इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई, राइट। अब ये कब होता है मैं आपको बताता हूँ। सी व्हेन यू वॉक इन द हॉट सन योर फेस टर्न्स पिंक। आपने कभी नोट किया है, कभी कभी हम समर डेज में लाइक अराउंड 12 PM राइट इन द आफ्टरनून, कभी कभी ऐसा होता है कि अवर फेस जस्ट फ्लशेस आउट, इतना पिंकिश दिखता है बहुत बार फेस पे। ड्यू टू वॉट, क्या होता है वहां पे? सो द एग्जैक्ट थिंग विच इज हैपनिंग इनसाइड द कैपिलरीज ऑफ स्किन, जो कि स्किन के नीचे है, वहां पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। अब आप पूछोगे सर वो क्यों बढ़ता है? सी वो यू होता है कि व्हेन टेम्परेचर राइजेस आपके क्लाइमेट में, तो क्या होगा, योर बॉडी रिएक्ट्स बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू स्किन सरफेस एरिया, सो दैट मोर एंड मोर हीट कैन बी व्हाट ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। वाटर होता है ना, सो ब्लड में प्लाज्मा होता है, वाटर होता है, सो जो भी हीट है हमें उसे बॉडी सरफेस में लाके स्वेटिंग होता है ना, सो स्वेट इज व्हाट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। सो जब ब्लड आएगा कैपिलरी में तभी तो वो स्किन के थ्रू बाहर निकलेगा, राइट क्योंकि हमें बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्रीज मेंटेन करना है, कोर टेम्परेचर प्लस माइनस 0.5 से चलता है, अगर ज्यादा बढ़ गया तो देयर कैन बी हीट स्ट्रोक, राइट, बॉडी को सेल्स भी डेथ हो सकती है बॉडी के सेल्स की। सो ये है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ कैपिलरीज, जो कि क्या करेंगे, डायलेट होंगे, दे विल इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू दैट स्किन सरफेस एरिया, सो दैट बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, और जैसे डायलेट होंगे बहुत सारा ब्लड एंड वाटर आएगा जो कि स्किन के थ्रू, ये स्किन है तो वेपर्स के थ्रू बाहर जाएगा। सो वो जो स्किन के अंडर के कैपिलरीज है ना, दे टर्न पिंक, क्योंकि बहुत ब्लड गया तो पिंकिश दिखेंगे ना वो, देयर विल बी लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स विच आर डायलेटिंग विद लॉट्स ऑफ ब्लड, सो अवर फेस टर्न्स पिंक। क्या होता है इन समर हॉट सन, क्या हुआ है वहां पे, वैजोडाइलेशन ऑफ कैपिलरीज, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, राइट सो समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं आपको, राइट, वैजोडाइलेशन क्लियर है क्योंकि हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है कोर, राइट, सो वैजोडाइलेशन ऑफ कैपिलरी, डायलेट होंगे। अब वैजो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, ये तो डायलेटेशन कब होगा, हॉट सन में टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, देखिए कैसे फेस टर्न्स पिंक, क्लियर है। अभी आप पूछोगे सर वैजो कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, सो वैजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होगा, इन वैजो कंस्ट्रिक्शन योर फेस टर्न्स ब्लू, जब कैपिलरी कंस्ट्रिक्ट होंगे ऐसे, ये जो कैपिलरी है कंस्ट्रिक्ट हो गई तो इसमें से कम ब्लड जाएगा, तो ये क्यों होगा, सी व्हेन देयर इज डिक्रीज फ्लो टू द स्किन व्हिच हेल्प्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। कोल्ड में क्या करना है हमें, हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, वंस अगेन 37, तो ज्यादा बॉडी से स्वेटिंग नहीं होता है ना हमें कोल्ड में, कभी सुना है आपने विंटर में स्वेटिंग हुआ आपको, नहीं होगा स्वेटिंग, क्यों, क्योंकि अवर बॉडी इज ट्राइंग टू प्रिजर्व द बॉडी हीट बाय प्रिवेंटिंग द हीट लॉस टू कीप द ब्लड वार्म, तो तब क्या करेंगे, जो स्किन के कैपिलरीज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल कम ब्लड वहां पे रहेगा और ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस प्रिवेंट करना है स्किन के थ्रू, सो दैट्स व्हाई अवर फेस टर्न्स ब्लू, विंटर में देखते हो ना थोड़ा ब्लूइश हो जाता है कभी कभी स्किन, राइट, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टू थिंग्स एज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। वी आर डन विद आर्टरीज एंड वेन, राइट, कल हम पढ़ेंगे पोर्टल वीनस सिस्टम, डबल सर्कुलेशन क्या होता है फिर से रिवाइज करेंगे, डिफरेंट ब्लड वेसल्स इन बॉडी, फिर ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंड लास्टली वी विल स्टडी अबाउट लिम्फ, जो कि हमने शुरू में पढ़ा है, बहुत आसान है, फंक्शंस ऑफ लिम्फ, आपने 8th ICSE स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है क्या क्या फंक्शंस होते हैं लिम्फ के, क्या कंपोजिशन होता है लिम्फ का, राइट, काफी आसान है वो, सो नॉट टू वरी, सो फॉर टुडे वी आर डन, कम ऑन स्माइल, वी आर डन विद द लेक्चर, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड कीप शाइनिंग, और रिवाइज करते रहिए बच्चों, हम ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए आपके ब्रेन में, आपको ये लेक्चर्स याद आ रहे कि हमने कैसे पढ़ा था बायोलॉजी, सर ने कैसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था विद सो मेनी फोटोग्राफ्स विद सो मेनी विजुअल्स, राइट, सो कंफ्यूज नहीं होना है हमें एग्जाम में, राइट, एंड कीप रिवाइजिंग। हम कल हेपेटिक पोर्टल वीनस सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट, एंड टुमारो इज द लास्ट लेक्चर, 10th लेक्चर ऑफ
सर्कुलेटरी सिस्टम देन विल बी डन विद द टॉपिक एंड ऑफ टॉपिक 10th सेशन टुमारो. इसे अच्छे से पढ़िए, घर जाके टेक्स्ट बुक से पढ़िए. एंड सी यू टुमारो. बाय बाय. टेक केयर. हैव अ ग्रेट डे. ओके. बाय बाय.